बात कर रहे हैं आप, सुधाकर जी क्या बात कर रहे हैं? त्र्यंबक इतने अच्छे हैं, मतलब और क्या क्या जानते हैं आप उनकी साधना के बारे में? बहुत भारी साधना करता है त्र्यंबक, बहुत भारी। अच्छा, महीनों महीनों पहाड़ों पे बैठा रहता है, सुनता रहता है। किसको? सबको। मेरा मतलब है पत्तों को, पेड़ों को, पौधों को, पत्थरों को, झरनों को, सबको सुनते रहता है। वहीं से तरंगे मिलती है सामने वाले का मन पढ़ने के लिए। आपने देखा नहीं कैसे मुझे पकड़ा था नंबर के साथ, पांच पेड़े? वो झूठ भी पकड़ता है? हाँ अंकल, मैंने तो सुना है कि पुलिस भी उसके साधना खत्म होने के इंतजार में है। पुलिस? कोई चोरी की क्या उन्होंने? चोर को पकड़ने के लिए। तो वो धोती में कैसे पकड़ते चोर को? नहीं, भाग के नहीं, चोर के मन की तरंग पकड़ता है ना त्र्यंबक। अभी आप खुद सोचिए, आप चोर हो और त्र्यंबक को आमने सामने बिठा दिया, तो त्र्यंबक जो है वो मन की तरंग पकड़ के बता देगा ना कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छुपाया है। मुझे तो लगता है कि ये चुंबक त्र्यंबक की साधना पूरी होने से पहले ही उनका पहला केस सॉल्व हो जाएगा। नहीं, उनके चेहरे का तेजी इतना है कि वो अपनी साधना से पहले आगे निकल जाएंगे। तेज निकल जाएंगे। लेकिन बाबा बता रहे थे कि वो अभी पूरी बात नहीं पकड़ पाता। क्या मतलब? मतलब एक बार साधना पूरी हो जाए ना, फिर वो सबके मन की बात साफ साफ पढ़ पाएगा। मैं एंटेना पूरा निकला हुआ नहीं है। आधा अधूरा, मतलब पूरी बात नहीं पकड़ लेता ना, वो कह रहे हैं। सुधाकर भैया, ये काफी है मेरे ख्याल से, बाबा को दे आती। मैं आपकी मदद करता हूँ सुधाकर जी। अरे आपकी मदद मैं कैसे नहीं करूंगा, ये लीजिए। डैड इतने नर्वस क्यों हो जाते हो आप? आपको देखकर मैं भी हो जाता हूँ। क्या करें बेटा, अब तो पकड़े ही जाएंगे ना। हमारे दिमाग में तो एक ही तरंग बचती है 24 घंटे। पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े 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 नहीं जाएंगे हम, पकड़े नहीं जाएंगे डैड। सिर्फ देखो सगाई तक संभाला है, सगाई तक, उसके बाद तो त्र्यंबक चला जाएगा। चला जाएगा। ये जया कहाँ रह गई? आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। जय, अरे जय, तुम हो? हाँ आओ, बैठो 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 बैठो। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी त्र्यंबक की तरह मनानुबोध साधना करूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी बेगम, मेरी होने वाली बेगम के मन में क्या चल रहा है। कुछ असर पड़ा? ऑफ कोर्स, यू नो सी। मुझे पता चल गया कि इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि जय, क्यों तुम मुझे छत पे लेके नहीं जा रहे हो? क्यों मेरे साथ बैठ के थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हो? ये पैतरे मुझ पे बिल्कुल नहीं चलने वाले। लेकिन अगर तुम्हें छत पे जाना ही है तो तुम जा सकते हो, बाबा भी वहीं पे बैठे। मैं नीचे ही ठीक हूँ, यहीं पे ठीक हूँ मैं। सच तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मनानुबोध साधना तो मैंने भी शुरू कर दी, और मेरी तो एक लेवल आगे भी जा चुकी है। ओ, ओ, क्या बात कर रही हो तुम? बताओ मैं इस वक्त बाबा के मन में क्या चल रहा है? बताओ। अच्छा, इस वक्त बाबा ना मुझे बुलाने का सोच रहे होंगे। जया, यार दिस इज अनबिलीवेबल। तुम क्या वाकई में तुमने साधना शुरू कर दी? देखो मैं तो मजाक कर रहा था यार, मत करो ना, वो त्र्यंबक पहले ही कम है क्या? मजाक कर रही हूँ जय। थैंक गॉड बाबा ने मुझे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुलाने के लिए भेजा। अब इतनी देर हो गई तो मुझे लगा कि बाबा मुझे बुलाएंगे। नहीं, लेकिन क्यों बुलाने भेजा तुम्हें? तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्यों, कैसा सरप्राइज है? अरे बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे? नहीं नहीं, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। नहीं 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 जय, मुझे सरप्राइज बहुत डर लगता है। रमजान जी, आज एक शुभ समाचार देने के लिए मैंने आप सबको बुलाया है। आप जा रहे हैं? आप जा रहे हैं से मतलब है कि आप जब भी जाते हैं तभी किसी शुभ कार्य के लिए ही जाते हैं ना। गरीबों की भलाई, मरीजों का इलाज, तो हमेशा वो समाचार शुभ ही होते हैं।
नहीं नहीं फिलहाल मैंने जया और सुषमा की सगाई की तारीख पक्की की है। सगाई की तारीख? अभी 14 आषाढ़ 1940 को हम इनकी सगाई करेंगे। वो डेट तो चली गई। अरे उसके बाद हमें अपनी आजादी भी मिली थी। बहन जी ये हमारी राष्ट्रीय तारीख है, यानी आपकी वो अंग्रेजी वाली 15 जुलाई। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी तारीख है। पहली बार 15 जुलाई को 15 अगस्त बनाएंगे। बस कुछ दिन और। कुछ दिन और? हाँ मैं 15 जुलाई 2018 की बात कर रहा हूँ। 15 जुलाई 2018? एक साल बाद? एक साल में तो पकड़े जाएंगे। सजन रे, पकड़े जाएंगे? कपड़े जाएंगे। इनके कहने का मतलब था कि वो जो पैसे थोड़े से बचा के उन्होंने सगाई के लिए कपड़े खरीदे थे वो खराब हो जाएंगे। लोखंडी जी आप क्या सोच रहे हैं? गुरुजी मेरे बारे में सोच रहे? बोला छोटा लोखंडे बोला, माइंड रीडर कहीं का। बिल्कुल सही पापा तुमने, बिल्कुल सही। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक साल के बाद सगाई करेंगे तो इसे साधना पूरी करने का वक्त मिल जाएगा। वैसे ये 15 जुलाई भी आने वाली, वो भी शुभ तारीख है, लेकिन वक्त कम है, आपको तैयारी करने में बहुत तकलीफ होगी। अरे नहीं नहीं, तैयारियां तो यूं हो जाएगी, यूं छट छट छट। जी वैसे भी हम गरीबों को क्या तैयारियां करनी होती है, मन तैयार हम तैयार, है ना? सही। 15 तारीख बहुत अच्छी है बाबा। ठीक है, अब आप सब कह रहे हैं तो हमें भी मंजूर है, तो इस 15 जुलाई को सगाई पक्की। क्यों जाया? बाबा आप जैसा ठीक समझे। सुषमा आइए। प्रेमचंद जी 15 जुलाई को हम पक्के समधी बन जाएंगे। अरे सुधाकर ठीक तो है। चलो चलो। खुशी का मौका तो है डैड, लेकिन ये त्रंबक मुझे खतरे की घंटी नजर आ रहा है। हाँ बेटा, इस छोटे लोखंडी का कुछ तो करना ही पड़ेगा। जय उर्मिला केके, तुम तीनों इस पर कड़ी नजर रखोगे। डोंट वरी पीसी, मैं हूं ना, मैं नजर रखूंगी उस पे। हमें इस पे भी कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। 10 वर्ष कैसे चले गए पता ही नहीं चला। जी गुरुजी। एक बात बताओ, ये पहाड़ों में रहते हो, ये सो क्यों रही है? हम इधर जासूसी करने आए, सुबह सुबह पी लिए क्या? अरे सुबह सुबह नहीं पिए इसलिए तो नींद आ रही है। सुनो उसको। खाने के वक्त कहाँ चला जाता है? जाओ अंदर, 2 रोटी रखिए, जाओ खा लो। नहीं काका, कुछ भूख नहीं है। क्यों, बाहर से चटोर के आए हो? सुधाकर भैया, मुझे तो आपसे संतुष्टि बहुत तरंगे मिल रही है। कुछ तो जरूर खाया है आपने। थोड़ा कुछ खाया, रोटी नहीं खाई। आइला, ये छोकरा तो अंतर्यामी निकला। कुछ मीठा खाया है। अकदेवा,
इसको तो स्वाद भी पता चल गया। चलो अच्छा है, ये नहीं बताया कि क्या खाया। हाँ। बूंदी के लड्डू। चल गया। हाँ काका, एक एक पांच छह खाया। तो एक क्यों बोला? एक बार में पांच छह खाया। किसने दिया? मंदिर गया था, बजरंग बली जी का प्रसाद बट रहा था, तो प्रसाद में पांच छह लड्डू। बजरंग बली ने क्या दावत दी थी? हमारे पांच छह लड्डू खाने की वजह से पांच गरीबों के लड्डू छीने हैं तुमने। छीन के नहीं खाया काका। चुप। अब तेरे लड्डू पचवाता हूँ। देख, ये दो सगाई तय हो चुके हैं ना, उसका पूरा का पूरा काम तू अकेला करेगा। हस, उठक बैठक तो है ही। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी। बेटे मैं जरा शतपावली करके आता हूँ, इस पावली को जरा काम देता हूँ। देवा रे देवा, ये जूनियर पगड़ी वाला तो बिना आग लगाए बम फोड़ता है। अरे अरे साफ कर, अरे मेरे मम्मी ने उधर साफ कर। प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छा, मुझे आप सभी परिवार जनों से एक बार मिलना है। अरे हम थोड़ी देर अलग क्या हुए, तुम तो हमें भूल ही गए। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे, अभी फिर से? नहीं, मुझे आपके परिवार जनों से भरपूर तरंगे मिल रही हैं। मैंने आपका मन पढ़ा है। बस इसी विषय में आप सभी से मिलके विचार विमर्श करना है। कहीं हमारा मन पढ़ के उसे हमारी गरीबी के नाटक के बारे में पता तो नहीं चल गया? जी प्रणाम। क्या खबर लाए हो? जैसा कि मैंने आपको कहा था, मुझे आप सभी से एक प्रकार की तरंगे मिल रही है। उसी विषय में बात करनी थी। कैसी तरंगे? मुझे आप सभी से रहस्यानुबोध तरंगे मिल रही है। आप सभी के दिमाग में कोई ना कोई रहस्य चल रहा है, जो आप मेरे गुरुजी से और उनके परिवार जनों से छुपा रहे हैं। बेई भैंस पानी में, अब जरूर पकड़े जाएंगे। जब से मैं आया हूं तब से मुझे ये रहस्य की तरंगे मिल रही है। मैं तो वही गुरुजी के सामने पूछने वाला था, फिर मैंने सोचा कि पहले आप सभी से अकेले में बात की जाए। ऐसी क्या बात है जो आप लोग मेरे गुरुजी से छुपा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम भला क्या छुपाएंगे गुरुजी से? गरीब तो बस अपना बदन छुपा ले, उतना ही काफी है। गरीब नहीं, मैं अजीबोगरीब बात की बात कर रहा हूं। कोई बात तो जरूर है, क्योंकि मुझे तरंगे बड़ी साफ साफ मिल रही है। बस क्या बात है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसे नहीं पता चल रही वो? यदि मेरी साधना पूर्ण हो चुकी होती तो समझ में आ जाता। बच गए। मतलब कि जो बात हम छुपा रहे थे उससे बच गए। तो दरअसल वो एक सरप्राइज है जो हम जया और बाबा को देना चाहते हैं। सरप्राइज? ये बात तो मुझे भी किसी ने नहीं बताई। अरे पक भाग्यवान, कल मैंने तुम्हें बताया था, जब मुड़ के देखा तो तुम्हारी आंख लग गई थी। आंख लग चुकी थी ना, पर मैं कान से सुनती हूँ। माँ भी कभी कभी ऐसे ही मारती है मजाक। अब आप ये बात, सरप्राइज वाली बात ना, बाबा और जया को प्लीज मत बताइएगा, उनका ही सरप्राइज खराब हो जाएगा। हाँ प्लीज। सरप्राइज? जी प्रणाम,
जाते जाते मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। सुधाकर 5 पेड़े खाना चाहता था, ये बात आपको पता चल गई। तो हमारी बात क्यों नहीं पता चली? क्योंकि कुछ लोग भोले होते हैं। हम भोले हैं? मैं सुधाकर की बात कर रहा हूँ। उनकी तरंगे पकड़ना आसान होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े तेज और पक्के मन के होते हैं, उनकी तरंगे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बस इसीलिए चलता हूं। ये तो तूफान से पहले जो शांति उसे भी भंग करके चला गया। जो डर था ना वही हुआ बेटा, ये जरूर लोखंडे जी के सामने हमें पकड़वा देगा। नहीं 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 डैड, ऐसा हम होने नहीं दे सकते। हमें हर कदम फूक फूक के रखना होगा। Are you mad? वैसे भी कमरों में एसी नहीं है, अब पैरों के नीचे आग भी लगा दे। देखिए मैं तो कहती हूँ सगाई होने तक इस त्रंबक के सामने बर्फी के रणबीर कपूर की तरह ना तो कुछ बोलेंगे और ना कुछ सोचेंगे। सॉरी नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि बिना सोचे समझे तो मैं बोलती नहीं। उर्मिला की बच्ची, तू प्लीज थोड़ा जल्दी आकर देख। हमने लोखंडे जी को बता दिया कि अब तू कहीं काबा में कर। हाँ मालूम है मेरे को, लेकिन जब से वो सुधाकर नाम की मुर्गी ने देखा है ना मेरे को, जय भाई के कहने पे मैं वो 4 गली पीछे ऑटो छोड़ देती है। तो पैदल लाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन तू अगर लेट आएगी ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि ये बहन हो गई, मैटरनिटी शो हो गई, हमेशा दोपहर में दर्शन देती है ना। चल अभी जल्दी चल और अंदर ना नहा के बाहर निकलना। लोखंडे जी 4 नाश्ता करने बैठते होंगे। ठीक है चल चल। काका, ओ काका, ये देखो दाइमा, दाइमा यहाँ आई। काका मैंने ना ये बादाम के पेड़ के पत्तों को जोड़ जोड़ के थाली और द्रोणा बनाया है। वो क्या है ना, सगाई में जितने लोग आएंगे ना हम इसमें खाना देंगे, ताकि धातु के बर्तन में अगर खाना दिया तो साबुन और पानी कितने बर्बाद होंगे। तुम्हारा काम कम कर रहे हो। नहीं काका ऐसा है तो तोड़ देता हूँ बस। मेरे बगले, अच्छा है अच्छा है। माँ माँ माँ, मैंने ना गर्म पानी से नहा लिया है, थोड़ा सा बचा है आप भी नहा लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। उर्मिला बहन जी, मुझे आपसे मिथ्यानुबोध तरंगे मिल रही हैं। क्या कहा बेटा? मिथ्यानुबोध का मतलब? मतलब झूठ की तरंग। आपने झूठ बोला। जरा फिर से बोलिए। जय माता दी। ये नहीं तो जो आपने पहले बोला दाई माँ को, वो बोलिए। बोलो उर्मिला बहन, बोलो। पता तो चले कि आप झूठ बोल रही हो या फिर त्रंबक भैया की साधना कच्ची है। बोलो बेटी। मैंने बोला था माँ, माँ मैंने गर्म पानी से नहा लिया है, थोड़ा पानी बचा है, आप भी नहा लेना, मैं चलती हूँ। 100% मिथ्यानुबोध तरंगे। इस बात में कहीं ना कहीं झूठ छुपा हुआ है। बोलो बेटी। हाँ जी। तुमने झूठ कहा, हाँ या ना? हो ही नहीं सकता। माना मेरी साधना अब तक पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन इतनी भी अधूरी नहीं है। इस बात में कहीं ना कहीं तो झूठ छुपा हुआ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।